Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आप लोग कैसा है? इंशाल्लाह ठीक ठाक है, सबाई भालो आसेन इंशाल्लाह। आज के आमी नतुन एकटा मुरगीर ग्रिल बनाबो फ्राई फैनर मध्य। एकटा फ्राई फैन एटार मध्य, तो जादेर मध्य माइक्रोवेव ने तारा तावार मध्य ग्रिल चिकन बनिए खाते फिरबे। तो हम आज ग्रिल चिकन बनाएगा, आप लोग इंशाल्लाह सीख ले। और मैं हिंदी में बात करता है, मेरा मुल्क बांग्लादेश है। सो हमारा सारा फ्रेंड इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरा कंट्री के आदमी के साथ मेरा दोस्ती है, इसीलिए मेरा फ्रेंड है, इसीलिए मैं हिंदी में बात करता है। तो मेरा बांग्लादेश का आदमी भी थोड़ा थोड़ा हिंदी समझता है, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में बात करता है। तो चलो मैं शुरू करता है आज कैसा ग्रिल चिकन बनाएगा तवा में। तो हम शुरू करता है उसको, मैं पहला ऐसा एक मुर्गी था, ये एक मुर्गी है, फिर उसको मैं इधर ऊपर से सीधे काट किया, काट करके ऐसा खुला किया उसको। फिर मैं हल्दी से मैं उसको थोड़ा आधा घंटा ऐसा रखा मिक्स करके, फिर हम उसको क्लीन किया, सफाई किया, थोड़ा बास मास नहीं करने के लिए, खुशबू अच्छा के लिए। तो फिर मैं उसको पूरा अच्छे से सफाई किया। अभी हम उसको मसाला डालेगा, कैसा कैसा करता है, क्या डालता है, हम पूरा डालता है अभी इंशाल्लाह। आप लोग भी ट्राई करो और दोस्त लोग के साथ शेयर करो मेरा चैनल, लाइक सब्सक्राइब करो, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का इंशाल्लाह देख सकता है। तो शुरू करता है मैं। तो पहला मैं उसका लिए एक लेमन का पानी डालेगा, ज़रूर लेमन का पानी है, लेमन का पानी डालेगा, वो लेमन भी उसमें डालेगा। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके, दो टुकड़ा, एक लेमन को चार टुकड़ा करो, वो भी डाल दिया इधर। और मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेगा, हमें ज़ाफ़रान दीते सी, ज़ाफ़रान ना थकले समस्या नहीं, एमने सॉल्विंग। तो हमें एक ज़ाफ़रान दीची कलर जो एक मुर्गी थोड़ा लाल ऐसा कलर होता है, अच्छा डिजाइन आता है उसमें। ज़ाफ़रान नहीं देगा भी कोई मुश्किल नहीं है, ज़ाफ़रान ना दिल समस्या नहीं। तो हमारे का आसे हमें दीची। तो इसमें मैं जीरा का पाउडर देता है, आधा चम्मच देगा, ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें। और जो इलायची का पाउडर है, इलायची का पाउडर थोड़े देते हैं, ज़्यादा नहीं देगा इलायची का पाउडर। और थोड़ा से नमक देता है मैं, सॉल्ट, लिटिल सॉल्ट, नॉट टू मच सॉल्ट। और हल्दी भी देता है थोड़ा, हल्दी ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं मांगता ग्रिल चिकन। और काली मिर्ची, गोल मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर भी देता है मैं, आधा चम्मच देता है। और इसमें सारा मसाला मिक्स है, गरम मसाला है, इसमें मैं आधा चम्मच देता है, छोटा वाला चम्मच थोड़ा देगा, मसाला इसमें ज़्यादा नहीं होता। तो फिर हम थोड़ा कुकिंग ऑयल भी डालता है, छोटा दो चम्मच कुकिंग ऑयल, तेल दीते सी हमें सामान्य एक। हमें दीची एक मैगी कैप, हम देता है एक मैगी, चिकन मैगी, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो फिर मैं अभी अच्छा से मिक्स कर लेगा उसको। और मैं थोड़ा इधर आधा रसुन का पेस्ट भी देता है, इखने आधा रसुन बाटा दीची हमें। तो ये भलो कर मिक्स करते हैं, अच्छा से मिक्स करना मांगता है। देखा पूरा मसाला लग गया, उसको मैं अभी आधा घंटा रखेगा, उसका बाद मैं फ्राई पैन में डालेगा।
এটাকে মিস করে আধা ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এরপরে মরিচ সবগুলা ঢুকবে ভিতরে। এখানে আপনি কাঁচা মরিচ লাল মরিচের পাউডার দিলে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা না। তাতে আমি এটা ইন্টারন্যাশনাল ভাবে বানাচ্ছি সব দেশের মানুষে খাওয়ার জন্য। তো আপনাকে মরিচ যদি পছন্দ করেন অবশ্যই আপনি মরিচও ব্যবহার করতে পারবেন। তো আপলোকো মরচি মাংতা হয় তো আপলোক মরচি ভি ডাল সকতা হয়, কোই টেনশন নেই হয়। লেকিন মে ইন্টারন্যাশনাল বানাতা হয়, সারা দুনিয়া কা আদমি ইয়ে খা সকতা হয়, কোই মুশকিল নেই। আরব কান্ট্রি মে ভি খা সকতা হয়, ইউরোপ কা আদমি ভি খা সকতা হয়, কোই মুশকিল নেই। আমারা বলা আপলোকো মরচি মাংতা থোড়া মরচি কা পাউডার ডাল দেব। আবি মে উসকো আধা ঘন্টা রাখেগা এসা, উসকে বাদ ফ্রাই প্যান মে ডালেগা। আবি মে শুরু করতা হয়, ফির উসকে লিয়ে মে এক আলু অর এক প্যাজ লেতা হয়। ফির हम अभी इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल डालता है, तेल डालता है, उसको थोड़ा तेल मांगता है, तेल ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैं अभी तवा फिर से गर्म करके रखा, फायर देखो। अभी ये मुर्गी ऐसे डाल देगा, फिर उसको ढकना लगाएगा। अभी मैं उसके ऊपर ढकना लगा के रखेगा, ऐसा ढकना लगाएगा। फिर फायर थोड़ा गर्मी हो गया ना, एक मिनट के अंदर फायर थोड़ा कमती करो, आगुनटा एक कमिए दी तो हे थोड़ा आग रखना मांगता है। बस इसमें अभी रख दो, मैं उसका साथ सब्जी देगा अभी। तो मैं आलू सफाई करके रखा, क्लीन करके रखा आलू। अभी मैं उसको स्लाइस करके काटेगा, राउंड करी करी हम एगुला काट दो। राउंड करके পেঁয়াজটা একটু রাউন্ড হবে, এই পেঁয়াজ ভি রাউন্ড করকে কাটনে কা হ্যায়। এক দো চার পিস কিয়া মে, ফির উসকো মশলা কা আন্দার মুরগি কা মশলা মে থোড়া মিক্স করেগা, ফির উসমে ডাল দেগা আমার। উসমে অর ভি থোড়া তেল দেগা, তো ফির মে আচ্ছা মিক্স করেগা। তো মেরা এ মিক্স হো গয়া, মে আবি উসকো থোড়া উল্টা করেগা, उसको उल्टा करेगा थोड़ा, फिर सब्जी पूरी अगर डाल देगा। आप लोग भी इंशाल्लाह ट्राई करो। ये घर में मेहमान आएगा पूरा, आप लोग दे सकते हैं। कोई आदमी का मरक नहीं है ऐसा ग्रिल बनाने के लिए, आप लोग तावा में भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। उसको मैं अभी एक आधा घंटा ऐसा रख देगा ढकना लगा के, फिर उसको देखिएगा। आग আগুনটা একটু ছোটো হতে হবে, ফায়ার স্মল ফায়ার। সহজে এগুলো বানানো যায়, আপনারা অবশ্যই শিখবেন, ট্রাই করবেন। তো আপলোক দেখো মে ছোটা ফায়ার মে রাখা, উসকো উসকো ছোটা ফায়ার মে মে আরাম আরাম সে উসকো পাকাতা হ্যায়। তো আপলোক ভি ইনশাল্লাহ দেখো এসা ছোটা ফায়ার মে ছোটো আগ মে এসা পাকাও, ফির মে আপলোক কো পুরো দেখাতা হ্যায়। তো ইনশাল্লাহ আপ লোক ভি ট্রাই করো, পুরো শিখ যায়গা আপ লোক। লেকিন মে আপ লোক কো ইধার দেখাতা হ্যায় তাওয়া মে, লেকিন হাম লোক বানাতা হ্যায় ইসমে, উসকে আন্দার বানাতা হ্যায়। জো মাইক্রোওভেন হ্যায় না উসকে আন্দার বানাতা হ্যায়, লেকিন আপ লোক কা সাথ হয়েগা তো বানাও ইসমে, বহুত আচ্ছা হ্যায়। ফির লেকিন মে ইসমে বানাতা হ্যায়। তো হাম আবি উসকো দেখেগা কেসা হো গয়া, उसको आराम आराम से उसको देखना चाहिए। उसको छोटा बच्चा है ना, उसका सेम सेम आराम आराम से पकड़ना चाहिए, नहीं टूटने चाहिए। हम अभी उल्टा करता है उसको। तो फिर मैंने जो सब्जी दिया उसको भी आराम आराम से उल्टाएगा, उल्टा करेगा। अभी देखो आधा आधा हमारा मुर्गी खा गया। अगर अच्छा लग जाएगा तो मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर कर दो, वो लोग भी थोड़ा बनाएगा सीख जाएगा इंशाल्लाह। हम जैसा आप लोग को सीखाता है, आप लोग भी दूसरा आदमी को सीखाओ, तो इंशाल्लाह आप लोग का कामयाब हो जाएगा। आप लोग इंशाल्लाह ट्राई करो, हम जैसा बनाता है आप लोग भी ऐसा ट्राई करो। देखो हमारा मुर्गी अभी आधा आधा पक गया हमारा ग्रिल, अभी उसको मैं सही ढकना लगा के रखेगा। 5 मिनट का फिर बाद उल्टा करेगा। ऐसा ग्रिल चिकन बनाने के लिए अच्छा एक तवा मांगता है, फ्राई पैन अच्छा वाला मांगता है, जैसा ऐसा फ्राई पैन में ये नहीं बनता है। अभी मैं आधा घंटा पकाया उसको, उसका बाद मैं हरी मिर्ची देता है,
स्पाइसी हॉट स्पाइसी ग्रीन चिल्ली तो हम इसमें अभी देगा कोयला दे दिया कि उसको ज़्यादा नहीं पकने का है हम अभी इसको पकने देता है और टमाटर भी अभी तीन टुकड़ा करके देगा स्लाइस करके अभी हम ये टमाटर तीन टुकड़ा करके उसमें दे देता है अभी उसको फिर ऐसा रख देगा और मैं मुर्गी के साथ खाने के लिए मैं साफ अच्छा उल बनाता है हमें सादा भात रान्ना करछी बासमती राइस हमें इखने रान्ना करछी मुर्गी साथे खावार जन्य तो हमें स्वाद मते चावलेर मध्य पानीगुलो दिए दिच्छी लवणगुलो दिए दिच्छी आयपुतित सॉल्ट व्हाइट राइस हम चावल के साथ मुर्गी खाने के लिए अभी सफ़ा चावल बनाता है आप लोग रोटी के साथ खाना मांगता है तो और भी अच्छा है रोटी के साथ भी खा सकते हैं कोई मुश्किल नहीं तो मैं हर 5 मिनट के बाद 8 मिनट के बाद मैं ऐसा ऐसा उठा के देखता है मेरा ये अभी आधा घंटा खलास हो गया इंशाल्लाह अभी पक गया पूरा उसको बच्चे का सेम सेम ऐसा तैयार करके उसको उलटाना चाहे सब्जी मब्जी पूरा नेट उठा आराम आराम से उसको उठा ऐसा थोड़ा हल्की मल्की करना मन देखा मेरा मुर्गी अभी थोड़ा फट गया देखा इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा आप लोग भी ऐसा ग्रीन चिकन बना के खाओ सब्जी से इसमें आप लोग मिर्ची मांगते हैं कुछ भी मांगते हैं आप लोग का मर्जी से डालो कोई टेंशन नहीं टेंशन लगेगा काम नहीं चलेगा तो हमारा मुर्गी अभी देखेगा तो इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करो हमारा मुर्गी हो गया अभी बड़ा बड़ा हो गया सही है अभी हम उसको चावल में डालेगा कैसा कैसा खाता है आप लोग भी ऐसा बनाओ तो हम अभी उसको प्लेट में डालेगा इसमें मैं सफ़ेद चावल लिया तो हम अभी मुर्गी उसका अंडा डालेगा अभी हम मुर्गी को 1 घंटा इधर फकाया सही है 1 घंटा फकाया फिर हम अभी उसके ऊपर डालते हैं बहुत अच्छा मुर्गी बन गया देखो ऐसा अनेक स्वादे तो अपना इंशाल्लाह देखें हमारे गुला बनिए बनिए खाबें बाड़ी से मेहमान आसले एगुलो एभावे बनिए दीबें सबा इंशाल्लाह तैयारी करबें এগুলা বাড়িতে মেহমান আসলে এগুলা এভাবে খাওয়া যায় তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেল লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ারটা করে দিবেন তো আমি উসকো এক টমেটো সে গোলাপ বানাকে আম দেগা পুরা গার্নিশ করেগা টমেটো তো স্পেশাল কাটেগা রাউন্ড করকে কাটেগা तो हम अभी ये टमाटर का समरा से गुलाब बनाएगा उसके लिए ऐसा गुलाब बनाएगा जैसा ऐसा गुलाब बना के उसके ऊपर से दे दीजिए तो आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करो तो आप लोग का अच्छा लग जाएगा तो आप लोग मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करो दोस्त लोग का साथ वीडियो शेयर कर दिया इंशाल्लाह दूसरा वीडियो आप लोग का साथ फंस जाएगा इंशाल्लाह तो ओके अस्सलाम वालेकुम बाय बाय टुमारो आई वेलकम अगेन थैंक यू